नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा जानकारी वाला वीडियो। इस बार कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हैं एक्सीडेंटल व्हीकल से रिलेटेड और उसके क्लेम से। होता क्या है, जब भी कोई एक्सीडेंट गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो कस्टमर बहुत पैनिक हो जाता है और क्लेम लेने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको। बहुत सारी गलतियाँ करता है जिसकी वजह से वो क्लेम भी नहीं ले पाता है, बहुत सारे क्लेम नो क्लेम में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कस्टमर को बहुत परेशानी होती है। आज हम जानकारी देंगे आपको कुछ ऐसे बेसिक चीज़ों की जिससे आप कि गाड़ी अगर बाई चांस अगर एक्सीडेंट कर जाती है उस कंडीशन में आपको क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि आपको सफलतापूर्वक आसानी से आपकी गाड़ी का क्लेम मिल सके। कभी भी आपकी कोई कमर्शियल गाड़ी है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट होने के बाद में एक्सीडेंट को क्लेम करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि क्लेम में नेसेसरी होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ड्राइवर का DL वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के पास में, गाड़ी का रोड टैक्स होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, लोड चालान होना चाहिए, अगर गाड़ी लोड है तो लोड चालान चाहिए होता है। गाड़ी अगर माइनर एक्सीडेंट है तो उसमें एक इंटीमेशन होती है थाने में, जिस भी एरिया में अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो वो इंटीमेशन लेटर दिया जाता है। अगर मेजर लॉस है उसमें FIR होती है, FIR थाने में दी जाती है जिसकी कॉपी अपने पास होनी चाहिए, उसमें टाइम और सारी चीज़ें दर्ज हो जाती हैं। इसके बाद में गाड़ी की RC वैलिड होनी चाहिए, DL और इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब इंश्योरेंस में भी एक चीज़ होती है कि गाड़ी का इंश्योरेंस लोग कराते हैं कुछ कम पैसों के लिए, कंप्रेंसिव इंश्योरेंस कराते हैं, बट उसमें कुछ एडवांस कवर नहीं लेते हैं, जैसे कि IMD 23, IMD 27 और आपका NILDAP, ये सारे जो एडवांस होते हैं ये क्लेम के टाइम पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं गाड़ी के डैमेजेस में। अन्यथा की कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो क्लेम होता है वो डिप्रिसिएशन एंड साल्वेज बहुत ह्यूज वैल्यू में कटता है जिससे कि कस्टमर को लॉस होता है। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि जिस समय आपकी गाड़ी लड़ जाती है तो उस समय आप क्या करें, पैनिक ना होने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है और कमर्शियल गाड़ी अगर जा रही है रोड पर रहेगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई बाय द वे, एक्सीडेंट होने की दशा में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले गाड़ी जहाँ पर भी है आप अपनी पॉलिसी में एक टोल फ्री नंबर होता है उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपना क्लेम जनरेट करवाएं। इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए कि हमारे ये गाड़ी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गई है। सेकेंडरी जो भी नियरेस्ट थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर इसकी इंटीमेशन एक रिटर्न में देनी चाहिए, वहाँ से एक रिसीविंग लेनी चाहिए। ये प्रायोरिटी वाले दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब इंटीमेट हो जाता है क्लेम, आपको एक क्लेम नंबर मिल जाता है, उस क्लेम नंबर के बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सर्वेयर डिप्यूट करती है जो कि स्पॉट सर्वे कराता है। गाड़ी जहाँ पर एक्सीडेंट होती है वहाँ पर स्पॉट सर्वे करता है कि एक्चुअल गाड़ी में कितना डैमेज है, क्या है। अब मैं दोस्तों ये बताऊँगा स्पॉट सर्वे क्या होता है, स्पॉट सर्वे कराया क्यों जाता है। स्पॉट सर्वे एक्चुअल गाड़ी की जो कंडीशन होती है एक्सीडेंट के टाइम में और जो गाड़ी रिपेयर होती है जब इनवाइसिंग होती है गाड़ी की बनने के बाद में, उससे टैली किया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये स्पॉट सर्वे नहीं कराता है कस्टमर और गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत ही जाकर अगर वर्कशॉप में खड़ी कर देता है तो इसमें क्लेम का 25% पैसा कट जाता है। इंश्योरेंस कंपनी इस कंडीशन में 25% पैसा काट देती है क्लेम का। तो दोस्तों ये गलती कभी ना करें, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो स्पॉट सर्वे इंश्योरेंस कंपनी से तुरंत कराएं। हो सकता है सर्वेयर एक दिन या दो दिन का टाइम ले, या जो भी उनका टैट होता है फोटो करने के लिए, उनके पास जो भी सुटेबल टाइम होगा या सर्वेयर अवेलेबल होगा वो उसको भेज के स्पॉट सर्वे कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है जब आपकी फोटो हो जाती है स्पॉट पे, इसके बाद गाड़ी को वर्कशॉप नियरेस्ट ऑथोराइज डीलर में गाड़ी को लेके जाना चाहिए रिपेयर के लिए। स्पॉट सर्वे के बाद अगर आपकी गाड़ी वर्कशॉप चली जाती है, अब इसके बाद क्या करना होता है, इस गाड़ी जब आपकी वर्कशॉप पहुंच गई है उसके बाद के मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूं। गाड़ी जब वर्कशॉप चली जाती है तो वहाँ पर गाड़ी की एंट्री होती है, एंट्री के बाद गाड़ी का जो रिपेयरर है आपका, जो भी कंपनी ऑथराइज डीलर है जिसके पास आप गाड़ी लेके गए हैं, वो गाड़ी का एस्टीमेट बनाता है, रिपेयर एस्टीमेट। इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयर एस्टीमेट प्लस डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताए हैं लिस्ट में वो सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वो आप लिंक से सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाकर प्लस ये एस्टीमेट एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद रिपेयर को एक अप्रूवल देगी काम स्टार्ट करने के लिए, डिसमेंटल के लिए अगर मेजर है तो वो डिसमेंटल के लिए आपको ऑर्डर देगी कि हाँ आप गाड़ी को डिसमेंटल कर सकते हैं। सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद इस प्रोसेस में जो भी टैट होता है वो कंपनी लेती है, इंश्योरेंस कंपनी टाइम इतना लेगी आपसे। इसके बाद में
जब गाड़ी का डिसमेंटलेशन हो जाता है, डिसमेंटल हो जाती है गाड़ी, उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर फिर से आता है, एक्सेस अगर कोई एडिशनल उसमें रिपेयर निकलता है डैमेजेस, क्योंकि बाहर से गाड़ी को एक्सेस करना इतना डैमेज क्या है एक्चुअल नहीं निकल पाता है, डिसमेंटल के बाद में एक्चुअल चीज़ें निकल के आती है, कुछ अगर एडिशनल उसमें रिपेयर है वो भी ऐड हो सकते हैं, एडिशनल एस्टिमेट उसका दिया जा सकता है। गाड़ी का रिपेयर जॉब स्टार्ट हो जाता है, रिपेयर होने के बाद गाड़ी का इनवाइस होता है, फाइनल इनवाइस होती है। अगर गाड़ी कैशलेस में है, डीलर अगर कैशलेस में है, तो आपका डिप्रिसिएशन सॉल्वेज का पैसा देने के बाद में आपको गाड़ी ले जा सकते हैं, और अगर गाड़ी कैशलेस में नहीं हो रही है, पेड बेसिस पे हो रही है, तो आपको पूरा पेमेंट करके गाड़ी वहां से रिलीज करानी होगी, और वो बिल इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करके आपको पूरा पैसा क्लेम में मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को पूरा कर आप अपनी एक्सीडेंट हुई गाड़ी का पूरा अच्छे से क्लेम ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट्स हैं तो नीचे लिंक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।